देख भाई, आज मैं तुझे तीन टिप्स दूंगा और अगर ये तीन टिप्स तू फॉलो करता है, मैं तुझे गारंटी देता हूँ तो किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर पाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी सुन ले। देख, मैं जब कॉलेज में था, फ्रेंड सर्कल में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी, माया नाम है, और उसी फ्रेंड सर्कल में एक लड़का था, मतलब दोस्त था मेरा, विक्रम नाम है, जो दिखने में जॉनी लिवर सा दिखने वाला था। बट अगर तू दोनों को देखेगा ना, तो एक लगेगा ही नहीं कि ये रिलेशनशिप बन सकता है। फिर भी विक्रम ने, विक्रम का गर्लफ्रेंड अभी माया ही है, और रिलेशनशिप को 4 साल हो गया। तो इस वीडियो में मैं जो तेरे को टिप्स देने वाला हूँ, विक्रम का ही टिप्स है, मतलब कैसे अच्छा सूरत के बिना, पैसे के बिना, बहुत सारा पैसा ना होकर भी और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश ना होकर भी कैसे एक लड़की को तू इम्प्रेस कर सकता है। तो पहला जो टिप है वो है फ्लर्टिंग। अगर तू किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है, तुझे फ्लर्टिंग करना मास्ट आना चाहिए। फ्लर्टिंग मतलब जहाँ पर तू बिना बोले ही इनडायरेक्टली एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। यहाँ पर मैं माया और विक्रम का एक स्टोरी सुनाता हूँ। हम लोग तब सेकेंड ईयर में थे, तो उस दिन सरस्वती पूजा थी, हम लोग कॉलेज से बाहर निकले, शाम को 7 बज चुका था, हम लोग चाय के दुकान पर बैठे थे, बात कर रहे थे। उसी दौरान माया ने बोली कि देख, आज चांद कितना सुंदर है। ये बात सुन के ही विक्रम ने क्या जवाब दिया, उस चांद से सामने वाली अच्छी है। तो ये जो चीज़ है, हम उसके ऊपर हंस रहे थे, वो सही बात है, बट तू सोच थोड़ा सा कि माया अंदर ही अंदर कितनी अच्छी फील कर रही थी। ये जो चीज़ है, उसी स्टोरी में हम लोग जब घर आने वाले थे, तो दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड हो रहे थे। उस दौरान विक्रम ने माया का हाथ पकड़ा और ऐसा हाथ लिया और ऐसा करके हाथ पे रखा और मुट्ठी बंद कर दी। तो माया ने पूछी कि ये क्या किया तूने। तो तभी विक्रम ने क्या जवाब दिया कि मैं घर तो जा रहा हूँ, पर दिल तेरे पास रख के जा रहा हूँ, तोड़ना मत। ये जो चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ है, लग सकता है कि इससे क्या होता है, बट एक लड़की एक लड़के में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद करती है तो वो है तेरा कॉमन सेंस, तेरा बात करने का तरीका, तेरा फ्लर्टिंग करने का तरीका, यही मैटर करता है एक लड़की के लिए। और दूसरा टिप है, तुझे लड़की को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सिखानी है, मतलब जो 99% लोग ना जानता हो। मैं तुझे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं तुझे कुछ क्वेश्चन करूँगा, आंसर दे। पहला क्वेश्चन है, हर एक ह्यूमन्स को अलग करता है हमारा थंब प्रिंट, और कौन सा बॉडी का पार्ट है जिसका प्रिंट सबका अलग है, सोच ले थोड़ा सा। तो ये इसका आंसर है, हमारा टांग, ये सबका अलग है। दूसरा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन करता हूँ, तू आंसर दे। देख, हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मासल कौन सा है? तेरे को लग रहा होगा कि शायद चेस्ट मासल होगा, शोल्डर मासल या फिर लेग्स मासल। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बॉडी में जो स्ट्रॉन्ग मासल है वो है हमारा जॉ मासल। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन का तू आंसर दे, कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका दिल दिमाग में होता है, सोच ले थोड़ा सा। तो ये है श्रिम्प्स, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, झींगा, ऐसा कुछ बोलते हैं, बट मुझे मालूम नहीं है, गूगल में सर्च किया वही दिखा रहा था। तो ऐसा बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो 99% लोग नहीं जानता है। ऐसा ही कुछ तेरे को इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है, जैसे मतलब तू जब किसी से बात कर रहा है, तेरे पास टॉपिक की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सब लोग, मतलब हर कोई तेरे से बात करना चाहे तेरे से। ऐसा तेरे को इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है, ऐसा तेरे को नॉलेज गेन करना है। तू साइकोलॉजी लेकर, ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर ज्ञान ले सकता है, मतलब फैक्ट जान सकता है, या फिर तू सोशल लाइफ को लेकर ज्ञान ले सकता है, फैक्ट जान सकता है, ह्यूमन बॉडी का फैक्ट जान सकता है। बहुत सारा ऐसा इंटरेस्टिंग थिंग्स है जो तुझे लड़की को सिखाना है, तभी क्या होगा, जो टॉपिक है, बात करने का टॉपिक है, वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ पाएगा, तू ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाएगा, उसी दौरान तू उस लड़की को इम्प्रेस कर पाएगा। और लास्ट टिप है, तुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है, मतलब साफ सुथरा ड्रेस पहनना है, ड्रेसिंग सेंस ठीक करना है, बालों को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, और उसके साथ बॉडी से बदबू नहीं आना चाहिए, या फिर मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए। हो सकता है तो दिन में 2 बार ब्रश कर, कहीं पर निकल रहा है तो परफ्यूम यूज़ कर ले। और एक चीज़, बहुत सारे लड़के लोग ऐसा सोचते हैं कि बॉडी बना के क्या होगा, बट उन्हें भी मालूम है और तुझे भी मालूम है कि 99% फीमेल्स यहाँ पर एक मास्कुलर बॉडी पसंद करती है। तो यहाँ पर तेरे को ध्यान रखना है, हो सके तो जिम ज्वाइन कर, या फिर घर में पुशअप मार ले, थोड़ा सा स्क्वाट मार ले, एक लीन बॉडी बना, इसी से काम बन जाएगा। तो ये 3 टिप फॉलो कर और खुद के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला के तू लड़की को पटा सकता है, तो इतना कॉन्फिडेंस से काम बन जाएगा। ये 3 टिप फॉलो कर और खुद के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर, मैं गारंटी देता हूँ तू किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर पाएगा। तो अगर तेरे को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर, और अगर तेरे को लगता है कि किसी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर कर सकता है। और एक चीज़, अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहता है हर हफ्ते, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को टैप कर, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तेरे पास टाइम पर पहुंच